अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू शकड़ा क्रिएशन। मैं मोहम्मद शाविज। ईद नज़दीक में है, सिर्फ 6 दिन बाकी हैं अभी ईद को। अगर ये वीडियो अगर कल ही आ गया तो 6 दिन बाकी हैं, और ईद रिलीज़, जैसे कि हमारे इंडिया में सलमान भाई आते हैं, वैसे ही वहाँ पर ईद रिलीज़ को आ रहे हैं इमरान अशरफ। इसे ईद रिलीज़ जो कि थिएटर में रिलीज़ होने वाली है, दिस इज़ अ फिल्म दम मस्तम स्टेरिंग इमरान अशरफ इन द लीड रोल एंड आई डोंट नो हु इज़। Wait a minute, bro. Who is the leading actress of this film? Starring Imran Ashraf and Amar Khan. Okay. Eid ul Fitr 2022. So let's start the reaction on this. Okay. And also, वहाँ पर दो टाइप के फिल्में आती हैं। एक होती हैं टेलीफिल्म, जो कि जैसे कि ड्रामाज आते हैं चैनल पे डायरेक्ट वैसे आते हैं। एक होते हैं जो कि थिएटरिक रिलीज होती हैं। ओके, दिस इज अ थिएटर रिलीज आई थिंक। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, इसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं। लो जी मोहल्ले की जान और हर महफिल की शान, हमारी मस्खरी जोड़ी नंबर वन बाऊ और आलिया। हट नहीं, निकल यहाँ। अरे बात तो सुन, हाथ छोड़। चल फिर ठीक है, आज के बाद तेरे और मेरे बीच में लकीर है। तू इंडिया है, मैं पाकिस्तान। ये लड़का सड़क छाप आशिकों के गानों पर पला बड़ा, एक ब्रेक डांसर और दूसरा आशिक बेटा। मेरी उड़ान बहुत ऊंची है, मैंने नहीं इश्क के निकाह में शिकंजों में पड़ना। पर आशिक का तो काम होता है ना, ट्राइया मारते रहना, मारते रहना। प्यार ना शाहरुख पवार टाइप रियल लाइफ हीरो से करूंगी, समझा? तेरे जैसे वेले वाले पूंछ से नहीं। और चल ठीक है, तू भी इतनी कोई मिस वर्ल्ड नहीं है। मल्ले की बाकी लड़कियां बाबू के लिए चार चार डिस्प्ले ने खा के सोती हैं रात को, पर मुझे ना कभी भी उससे वो वाली फीलिंग नहीं है। ये वो वाली फिल्म थोड़ी है, फुल्ला गिरने के बहाने। मेरी पैंट के लाइन मारते, तेरे बेटे की रिपोर्ट ठीक नहीं है। बुड्ढा है तो तेरा कौन सा गॉडफादर है? बाबू मैं गोली चला दूंगा। और तूने मुझसे शादी नहीं करनी है, जब बहू तुझे कहता है बहू ने तेरे साथ शादी नहीं करनी है। तू किस दिल को यूं तुझसे मिलाया था? ओ बारह नाम से देखी कुछ नए डांसर्स को रिलीज करवा रहा हूं, वुड यू बी इंटरेस्टेड? ऑफ कोर्स। जलन हो रही है। मुझे क्यों होगी जलन? मुंह तेरा जुमेरात को अगरबत्ती जला के दुआ मांगने वाला है, हरकतें तेरी जुमा जुमा वाली है। रात भर चैन से सोते जो तुझे ना मिले होते, बेकरार दिल बेजार जान ना हो। सीधी बात कर लेता हूँ आपसे, आपको स्टार बनना था ना, बड़ मैं डांस करना है, डांस ना बनो, डांस हमने क्यों करना है? वो जो खुसरे मंगो आए हैं वो उम्मीद से। ओके, ट्रेलर बहुत ही लेयर्स के साथ था। फर्स्ट रोमांटिक फिल्म दिखी मुझे, उसके बाद इट चेंज टू समथिंग, उसके बाद कुछ और ही हो गया ट्रेलर में। व्हाट डू यू से? आई थिंक द मूवी इज एक्चुअली नेशन वाइड सेलिब्रेशन लगता है मुझे, जो कि बहुत कम मूवीज में देखने को मिलता है। आई थिंक यहाँ पे जो इन्होंने स्टार्स को अपने ले आए हैं, या फिर जो जो भी इनके फेमस दोस्त जो हैं इनके, आई थिंक ये सारे मिलके एक मूवी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बनती बहुत कम मूवीज हैं इनकी, एक ही शायद ईद की एक ही है शायद अभी है। नहीं, आई थिंक दे आर टू थ्री फिल्म्स कमिंग ऑन ईद। अच्छा अच्छा, तो ऐसा है कि इन्होंने मतलब दिस मूवी मोर इज मोर लाइक सब्जेक्ट बेस्ड नहीं है, इट्स मोर लाइक अ सेलिब्रेशन सारे अच्छे एक्टर्स को लेके, अच्छे चीज़ों को लेके, एक बेस्ट कॉन्टेंट बना के प्रेजेंट करना स्क्रीन पर, आई थिंक वो है वहाँ पर। तो आई थिंक चलेगा अच्छे से। एज यू सेड, बहुत ज़्यादा मुझे भी एक जर्नी लगी अपने आप में एक मूवी है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले मुझे। थोड़ा वो कौन सा था, चौधरी रन सन्स का कास्ट देखा, देखने को मिला। हाँ।
और हमारे एक सीनियर एक्टर हैं जो हैं वहाँ पे अदनान सिद्दीकी साहब, उनको दिखाया गया और लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे है, लाइक कुछ वजनदार चीज़ें हैं और वो जो एक्टर हैं जहाँ पे उन्होंने करते हैं आया है मज़े, ये तो वो ही इज गोइंग टू किल इट एक्चुअली, वो जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं नो डाउट. सो या एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड ईयर एंड पाकिस्तान एक्चुअली मैं देखा है मैंने KGF का मैडनेस वहाँ पे, कैसे लोग वहाँ पे रमजान के महीने में भी लड़ रहे हैं सीटों के लिए. आई वांट टू नो कि व्हाट इज द हाईएस्ट ग्रॉसिंग डे वन एंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ पाकिस्तानी इंडस्ट्री, बिकॉज डेफिनेटली जितना हमें पता है कि ड्रामास को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, ड्रामास को बहुत सेलिब्रेट करते हैं लोग, बट आई हैव नेवर, मतलब अब तक मुझे पता नहीं कि कौन सी वहाँ की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है या फिर कौन सा हाईएस्ट डे वन, या जैसे कि अब यहाँ पर दे आर लॉट ऑफ फिल्म जिसने 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ भी अभी पार हो चुका है, तो वहाँ पर आई वांट टू नो दैट. एंड आई थिंक दम मस्तम इज अ कूल फिल्म जो कि जहाँ पर हमको कॉमेडी रॉम कॉम टाइप ऑफ जॉनर ही है, लेकिन स्टिल लास्ट में जो एंटरटेनमेंट का जो डायरेक्टर का जो ये फिल्मी चीज़ का दिखाया गया है वो बहुत ही यू नो अलग चीज़ ऐड हो गई वहाँ पर, दैट इज़ अ आई थिंक बोनस फॉर द ऑडियंस. यू नो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो यहाँ पर ये था फॉलो योर ओन रिदम, सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इन्होंने टाइटल इस तरीके का क्यों बनाया है फॉलो योर ओन रिदम एंड ट्रेलर रिलीजिंग ईद उल फितर, सो मुझे बहुत ये दिखा, दिन आई गॉट टू नो योर फेक चैनल है. हाँ एक्चुअली आई वॉज अबाउट टू थिंक अबाउट दैट, बट यहाँ पर फॉलो योर रिदम का आप मुझे पता चला कि जो लास्ट में जो म्यूजिक को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है एंड ऑल दो स्टफ. एंड आई हैव नॉट सीन दैट गर्ल जो कि अमर खान आई थिंक शी इज द वन, उनको मैंने नहीं देखा है, बट अदर देन देयर लॉट ऑफ फेसेस जो कि सिमिलर थे, जैसे कि इमरान अशरफ डेफिनेटली, अदनान सिद्दीकी, एंड ऑल्सो जो बंदा उनका जो इमरान अशरफ का वीडियो पकड़ता है ना विद द गाय हु, उनको मैंने बहुत जगहों पे आई थिंक देखा है, एक आई थिंक कोई एक ड्रामा था जहां पर मैंने उनको देखा भी है, मतलब दे ही आर डन अमेजिंग जॉब. आई थिंक परीजाद में भी हैं वो, परीजाद में है, दे आर लॉट ऑफ ड्रामाज आई थिंक. सो या दिस इज अ सेलिब्रेशन टाइप, और डेफिनेटली ईद को ऐसे ही फिल्में देखने को मिलती है, देखना चाहिए भी, लवी डवी जो कि फैमिली ऑडियंस को जाके फैमिली के साथ देखने मिले, एंड या दिस इज अमेजिंग ट्रेलर, आई लव्ड इट, मेरे तरफ से इसको थम्स अप बाय. या ग्रेट फ्रॉम माय साइड. Yeah, so this was our reaction on Dam Mastam ka trailer. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताएं कि नेक्स्ट हम किस पर रिएक्ट करें. Also follow us on Instagram, इसकी डिटेल्स हमने दी हैं. This is Mohan Chavez. Good night. Signing off.